नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा में नव निर्वाचित विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने नायब सिंह सैनी को अपना नेता चुन लिया है और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपना दावा राज्यपाल के सामने और राजभवन में जाके पेश कर दिया। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और राव इंद्रजीत सिंह समेत कई दूसरे नेता भी थे। अब 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगी और उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, साथ ही तमाम राज्यों के 20 के करीब जो राज्य हैं एनडीए शासित, इसमें एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अपने पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं, वो तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में एक और बैठक को भी संबोधित करेंगे। खैर, तो अब जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 तारीख को यानी कल शपथ लेंगे तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां भी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किस किस को जगह देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से नाराज अनिल विज ने विधायक रहते हुए मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि वो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें केंद्र, उसमें गृह मंत्री थे, लेकिन उन्होंने नायब सैनी की सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। क्या इस बार वो मंत्री बनेंगे और अगर मंत्री बनेंगे तो उनको कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी के साथ साथ अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना अपना दावा पेश किया था मुख्यमंत्री बनने का। खैर, अब जब मुख्यमंत्री का चयन हो गया है, नायब सिंह सैनी 17 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले उनके सामने जो चुनौती है वो है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, जो हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर्स हैं, उन पर जो किसान धरनारत हैं, करीब 250 दिन से वहां किसान बैठे हैं और आज भी वो किसान वहां पर बैठे हुए हैं। तो क्या उनके बारे में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उसके, उन्होंने कहा था कि इनको जाने दिया जाए अगर ये दिल्ली जाना चाहते हैं पीसफुल तरीके से, तो क्या उस आदेश की पालना होगी? एक दूसरा, अभी जो समय है वो समय है धान की खरीदारी, क्या धान मतलब गेहूं, माफी चावल, चावल की खरीदारी का ये वक्त है, और क्या धान की जो फसल अभी आई है उसकी खरीदारी सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ने यह वादा किया था कि 24 फसलों को एमएसपी के रेट पर खरीदेगी सरकार, और क्या अब वो समय आ गया है जब सरकार को अपना वादा पूरा करना है? किसान अभी से मंडी में अपनी उपज को लेकर चले गए हैं, लेकिन उनका लगातार ये सवाल है कि अभी भी उनकी फसलों को खरीदा नहीं जा रहा है, और अगर खरीदा जा रहा है तो उसकी माकूल कीमत उनको नहीं मिल रही है। ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने है। इसके अलावा जो रोजगार एक बड़ा संकट है। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो उसके बाद नियुक्तियां दे दी जाएंगी और रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, लेकिन क्या इतना इनफ है, क्या इतना पर्याप्त है उस प्रदेश में जो आज देश में सबसे अधिक बेरोजगारों का प्रदेश माना जाता है? जो CMIE के आंकड़े हैं उनके अनुसार हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या उनके लिए सरकार कोई नई तरह की नीति बनाएगी? साथ ही सरकार ने घोषणा की थी उन लोगों के लिए भी जो अग्निवीर योजना के माध्यम से भारतीय सेनाओं में गए हैं, 4 साल के बाद जब वो लोग वापस लौटेंगे, मतलब उनको अब वापस लौटने में 1-2 साल का वक्त बचा है, जब वो लोग वापस लौटेंगे तो क्या सरकार उन सबको नौकरी दे पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज होगा हरियाणा की नायब सैनी सरकार के सामने, कि उन्होंने ये भी वादा किया था कि उनको आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण के तहत उनको नौकरी, पक्की नौकरी जो है वो दी जाएगी, ये वादा किया गया था चुनाव से पहले। इसके अलावा वादा किया गया था कि 2,2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, जिस तरीके से लाड़की बहना योजना चलाई गई है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से
एक योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई है, उसी की तर्ज पर यह दावा वादा किया गया था कि हरियाणा में भी 2100 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो क्या वो दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इनके अलावा एक अहम जो इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा जो था, जातियों के बीच में जो खाई पैदा हो गई थी, क्या उस खाई को हरियाणा की नायब सैनी सरकार वक्त रहते भर पाएगी, उसका क्या इलाज नायब सैनी की सरकार करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी हरियाणा के समाज में बन गई है जो भारतीय जनता पार्टी पर जिसका सबसे ज्यादा दारोमदार है कि वो उसको खत्म कैसे करेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार ये सरकार है और 10 साल से इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है तब से सामाजिक ताना बाना खराब हुआ है और उसके बाद से लेकर जातियों में विभेद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब नायब सैनी की सरकार जो कि तीसरी बार आई है, मतलब बीजेपी की तीसरी सरकार आई है, और वो उसको किस तरीके से खत्म करेगी, क्या सामाजिक ताने बाने को जो जातियों के बीच विभेद है उसके लिए सरकार किसी तरह की योजना बनाएगी, क्या सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी, ये भी एक बड़ी अहम चुनौती सरकार के सामने है। हरियाणा में क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फौज में भर्ती होते हैं और उनके लिए बड़ी अहम है अग्निपथ की योजना, तो क्या उसमें जो जरूरी बदलाव किए गए हैं उनका मजबूती के साथ हरियाणा में इंप्लीमेंटेशन होगा। साथ ही नायब सैनी सरकार के सामने जो चुनौती है वो ये भी है कि क्या जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जिनमें प्रॉपर्टी आईडी एक अहम समस्या है, जिनमें फैमिली आईडी भी एक अहम समस्या है, क्या इन समस्याओं से भी निजात दिलाने के लिए सरकार कोई नए किस्म की योजना बनाने वाली है, क्योंकि उसमें जो त्रुटियां थी उसके लिए लोगों ने बहुत परेशानियां झेली, लोग बहुत हर जगह पर लाइन में लगे हुए दिखे, लेकिन क्या अब ये जो सरकार बनी है नायब सिंह सैनी की, ये उनको उन पुरानी पॉलिसीज को रिविजिट करेगी और उनको फिलहाल रोक देगी या फिर उन पॉलिसीज को चलते रहने देगी, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि अगर सरकार उन योजनाओं को वापस ले लेती है तो इसका मतलब यह कहा जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर की जो योजनाएं थी वो त्रुटिपूर्ण थी, और अगर उनको योजनाओं को वापस नहीं लेती है तो वो समस्या अब भी खड़ी रहेगी जिससे यहां की जनता पहले से जूझ रही थी। तो ये कुछ एक समस्याएं हैं जो बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो अभी दिख रही है वो है कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का किस तरीके से विस्तार करेंगे, किस तरीके से मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाएगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। जो अनिल विज है हरियाणा में इस वक्त सबसे वरिष्ठ विधायकों में शामिल हैं, उनको क्या पिछले बार जो दिए गए थे वही पोर्टफोलियोज फिर से दिए जाएंगे। उसके बाद अधिकारी, जो अधिकारियों का चयन किया गया था उन्हीं अधिकारियों को क्या एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, जिनको माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर ने जिन अधिकारियों को चुना था, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी थे या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे या दूसरे जो महकमे हैं उनमें जो की पोर्टफोलियोज की पोस्टिंग्स थी वो, या नायब सैनी अपने चहिते विधायक चहिते जो अधिकारी हैं उनको लेकर आएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती की बात होगी, क्योंकि उन अधिकारियों पर लगातार आरोप लगते रहे थे कि उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जैसी एक सरकार को करना चाहिए, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, सरकार उससे कैसे पेश आएगी, कैसे उनको फेस करेगी। और एक और जो अहम बात है, जो मनोहर लाल खट्टर के वक्त में जो ओएसडीज थे वो आज भी कायम है, वो आज भी काम कर रहे हैं, तो क्या नायब सैनी सरकार में वो लोग लगातार जारी रहेंगे, वो लोग लगातार अपना काम करता रहेंगे, या फिर नायब सैनी कोई नए अपने एडवाइजर्स और ओएसडीज की नियुक्ति करेंगे, ये कुछ एक सवाल है, कुछ एक चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। और सरकार पहले ये बात बोल चुकी है नायब सैनी कि वो लोगों को नियुक्तियां पहले देंगे, अब देखते हैं कि वो किस तरीके से नियुक्तियां पहले देते हैं या फिर सरकार एक बार फिर से वादा खिलाफी करती हुई दिखेगी। इस वीडियो में इतना ही, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।